हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ ही सारे पूर्वानुमान भी फेल हो गए। सूबे में एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की वापसी हुई, इतिहास भी बना। प्रदेश में लगातार तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं हरियाणा की हॉट सीट बादशाहपुर सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने कांग्रेस के कैंडिडेट वर्धन यादव को बड़े अंतर से हरा दिया। राव नरबीर को चुनाव में कुल 1,45,503 वोट मिले। उन्होंने वर्धन यादव को 60,705 वोटों से हराया। वर्धन यादव मूल रूप से गुरुग्राम के रहने वाले हैं। वह एनएसयूआई की सक्रियता रखने के बाद पार्टी के संगठन में आगे आ गए थे। लोकसभा चुनाव में वर्धन यादव ने फिल्म अभिनेता राज बब्बर के चुनाव प्रचार के प्रबंध में बड़ी भूमिका निभाई थी। वर्धन यादव को टीम दीपेंद्र हुड्डा का हिस्सा माना जाता है। वो किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। वर्धन यादव की पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पहुंचा है। वर्धन अहिर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वर्धन यादव की उम्र 33 साल है। उनकी पत्नी का नाम कोमल यादव है। वहीं राव नरबीर सिंह की बात करें तो सबसे कम उम्र में हरियाणा के गृह राज्य मंत्री बने। राव नरबीर को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता और दादा पूर्व विधायक रह चुके हैं। राव नरबीर 35 साल की उम्र में मंत्री बने थे। वो राज्य की कई सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। वह पहली बार जाटूसाना से जीते थे। वह राव मोहर सिंह यादव के पुत्र हैं। वह पंजाब स्टेट में MLC थे। उनके पिता का नाम महावीर सिंह यादव था। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर में 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। इस सीट पर बीजेपी ने राव नरबीर सिंह और कांग्रेस ने वर्धन यादव को उतारा था। 2019 में इस सीट से जीतने में सफल रहे राकेश की पत्नी कुमुदिनी राकेश दौलताबाद भी चुनाव मैदान में उतरी थी। इसके अलावा BSP और आप ने भी अपने कैंडिडेट उतारे थे। बादशाहपुर सीट से गुरुग्राम जिले का नया हिस्सा आता है। इसमें काफी हाई राइज और पॉश सोसाइटी शामिल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।